आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। गया जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मादक पदार्थ के साथ बड़े नेटवर्क का खुलासा स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स इन बिहार किया है। बिहार के गया जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गया जिला से लगभग 10 किलोमीटर दूर चाकनद थाना क्षेत्र से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी भागने में सफल रहा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो ठिकानों से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ, नकद और सोना चांदी बरामद किया है। गया के एसपी मनीष कुमार ने इस बात की जानकारी चाकंद थाना परिसर में एक प्रेस वार्ता कर पूरी कार्यवाही कर जानकारी दी। एसपी ने बताया कि गया जिले के चाकंद थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ, नकद, सोना चांदी और 3,79,000 नकद बरामद किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2.5 किलोग्राम गांजा, 10 पुड़िया हीरोइन के अतिरिक्त 7 ग्राम और हीरोइन, 1 मोबाइल और 1 बाइक जब्त किया है। साथ ही 3,79,000 कैश बरामद किया है और 4 ग्राम सोना और चांदी के जेवरात बरामद किया है। इस मामले में एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक व्यक्ति भागने में सफल रहा है। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चाकंद थाना क्षेत्र के चाकंद रेलवे स्टेशन बाजार के समीप प्रवेश सिंह नशीले पदार्थ का धंधा कर रहा है। इसके बाद एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। टीम में शामिल चाकंद और बेलागंज थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए प्रवेश सिंह की फर्नीचर दुकान में छापेमारी की। एएसपी गया ने बताया कि पुलिस ने प्रवेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की तो प्रवेश सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने चाकंद थाना क्षेत्र के चाकंद स्टेशन के समीप मनोज कुमार के घर में भी छापेमारी की। मनोज सिंह के घर से पुलिस ने 7 ग्राम हीरोइन, 1.5 किलो चांदी, 4 ग्राम सोना और 3,79,500 रुपये नकद बरामद किया है। लेकिन मनोज कुमार भागने में सफल रहा, जबकि मनोज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार प्रवेश सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। इसके अलावा जो सोना चांदी और नशीला पदार्थ जब्त किया गया है उसका आकलन किया जा रहा है। बिहार से स्टेट हेड सुरेश निखर की रिपोर्ट। प्रवेश सिंह है, उनके यहाँ नारकोटिक्स का कारोबार किया जाता है। उसके बाद जिले के सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी को सूचना दी गई। एक टीम का गठन किया गया जिसमें सहायक पुलिस अधीक्षक अवस्था थे और चाकंद प्रभारी थे, बेला प्रभारी थे, बेलागंज प्रभारी। इन लोगों के द्वारा रेड किया गया तो प्रवेश सिंह पिता राम नरेश सिंह के घर से लगभग 10 पुड़िया आपको ये हेरोइन और 2.5 किलो गांजा बरामद हुआ। उनके घर से लगभग 15,000 कैश भी बरामद हुआ, एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई और एक छोटा मोबाइल बरामद हुआ। उनकी गिरफ्तारी भी हुई। उनसे पूछताछ के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि ये सब सामान जो है एक बगल के एक मनोज कुमार सिंह के यहाँ से लाते हैं। पुनः मनोज सिंह के यहाँ से रेड किया गया वहाँ पे, तो वहाँ पे लगभग 7 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ और इसके अलावा 3,89,000 कैश बरामद हुआ, 1.5 किलो के लगभग चांदी की ज्वेलरी बरामद हुई और 400 मिलीग्राम छोटा सा सोने का टुकड़ा बरामद हुआ जिसका सीजर बनाया गया। अभी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और दूसरे जो मनोज सिंह है उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। मनोज सिंह कौन है? मनोज सिंह ये भी स्टेशन रोड चाकंद के ही रहने वाले हैं। इनका कोई सब्जेक्ट क्वेश्चन भी बनी है क्या होगा? अभी छानबीन हो रही है, अनुसंधान चल रहा है इस पर। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं पता करने का कि इस रैकेट में कितने लोग शामिल हैं। किस स्तर का सफेद पोस्ट का नाम कुछ आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। कब से ये इस धंधे में संलिप्त है? सबको खंगाला जा रहा है, इनका आपराधिक इतिहास पाया गया है और देखा जा रहा है। नगद राम प्रवेश सिंह के यहाँ से 15,000 और इनके यहाँ से 3,89,000। कुछ पता चला ये सब अनुसंधान का विषय है।